हाँ, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने जम्मू प्रेस क्लब में बुलाई है, विशेष रूप से ये कश्मीरी पंडित विस्थापितों की समस्याएं जो है, जो पिछले 33 साल से हमारी समस्याएं चल रही हैं, इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने एलजी सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज के डेट में जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने वाला है, हम चाहेंगे कि सारे कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित हैं वो इस वोटिंग प्रोसेस का पार्ट बने, क्योंकि हमें एक प्रोसेस के द्वारा हमारे नाम वोटर लिस्ट से बाहर निकाला गया है। हम चाहते हैं जितने भी कश्मीरी विस्थापित, हम 7 लाख लोग थ्राउट ग्लोब हैं आज के डेट में, उनको इस प्रोसेस का पार्ट बनाया जाए, नंबर वन। नंबर दूसरा, हमारे अपने प्रतिनिधि वहाँ पर असेंबली में जाएं, जो हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था कि कश्मीरी हिंदू जो है अपना रिप्रेजेंटेशन खुद दे दें। हमने गवर्नमेंट से बात करी थी, हमने बताया था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे जो असेंबली मेंबर्स होंगे, हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर वो हमारे कम्युनिटी के होने चाहिए। हमने 5 असेंबली मेंबरों की मांग करी है और कम से कम 2 पार्लियामेंट मेंबरों की मांग करी है, इसलिए ये प्रस्ताव हम बनाए हैं, क्योंकि जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आने जो होने हैं, हम चाहेंगे हमारे 5 कश्मीरी हिंदू जो है रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाए और हम पार्ट होंगे इस वोटिंग प्रोसेस का, नंबर वन। नंबर दूसरा, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के एम्प्लॉई श्रीनगर में हैं, वैली में हैं, उनके रहने का पूरा जल्द से जल्द इंतजाम करें, ताकि वो अपने परिवारों के साथ वहां पर रहें, ताकि वो सुरक्षित रहें। तीसरी बात, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो स्टेट में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को जो विस्थापित है उनको अपने साथ ठीक तरह से रख लिया और हमारा पूरा सहयोग आज तक उनको देते आ रहे हैं। हमें वोटिंग के टाइम पर इतना डिफिकल्ट बनाया हमारे लिए वोटिंग प्रोसेस कि हमें एक पूरा दिन इस वोट डालने के लिए तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, थोड़े से बूथ बनाए जाते हैं और हमारे लोगों को वंचित किया जाता है। मैंने रंजना देसाई से बात की, वो चीज इलेक्शन कमीशन से, हमारी एक डिमांड है कि हम प्रॉपरली हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं स्टेट असेंबली में। उसका एक कारण है, जब हमारी हवा के दल एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी,